नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय मां भद्रकाली, जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के एक बहुत ही खास वीडियो में। वृश्चिक राशि वालों, मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता भद्रकाली जी से आपके लिए दोनों हाथ जोड़कर गुहार लगाते हैं कि है माता रानी, आप सभी को खुशहाल रखना, सभी के ऊपर आप अपनी कृपा बनाए रखना। माता रानी, मेरी आपसे इतना ही अनुरोध है। दोस्तों, शुभ समाचार, शुभ समाचार, शुभ समाचार, एक साथ तीन बड़े शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। जी हां दोस्तों, वीडियो को आप बिल्कुल अकेले में देखना, किसी को भी मत बताना। बड़े राज की बात बताने जा रहा हूं दोस्तों। जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि आपकी जिंदगी की पूरी नया पलटने वाली है। जी हां दोस्तों, क्योंकि अब आपके जीवन में ईश्वर का चमत्कार चलेगा। जो भी होगा भगवान के मर्जी से होगा और भगवान के आदेश से होगा। जी हां दोस्तों, जिंदगी की पूरी कायनात बदलने वाली है, क्योंकि दोस्तों आपको इस बार एक सुख नहीं, तीन तीन बड़े सुख मिलने वाली हैं, जिसकी आपने अभी तक कल्पना भी नहीं की होगी। वह सुख अब आपकी झोली में आकर गिरने वाली है। वीडियो बहुत खास होने वाली है, सबके सामने देखने की गलती मत करना। आपसे विनती है कि चुपचाप किसी बंद कमरे में वीडियो देखना और सभी बातों को कान लगाकर ध्यान से सुनिएगा। मित्रों, आज की वीडियो में केवल फायदा ही फायदा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों भगवान विष्णु देव जी के आशीर्वाद से अब आपको बिना मेहनत का फल मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, आपने पिछले समय अंतराल में मेहनत खुद की है, जिसका क्रेडिट आपको अभी तक नहीं मिला था, वही फल वही क्रेडिट अब आपको मिलने वाला है। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके मेहनत का, आपके प्रयास का क्रेडिट कोई और लेकर ना चला जाए, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। जी हां दोस्तों, उसके लिए हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। यह खुशखबरी आपको किस तरह से प्राप्त करनी है, कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखनी है और किस तरह से प्लान करके चले, ताकि आपको इस शुभ अवसर का पूरा पूरा लाभ मिल सके। बिल्कुल ग्रह गोचर के अनुसार बताएंगे। आज की है पूरी वीडियो। ग्रह गोचर एवं आपके चंद्र राशि पर आधारित है। थोड़ा सा समय देकर वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। आज आपको इस वीडियो में जो लाभ होगा सुनकर आप प्रसन्न हो जाएंगे। जी हां, सबसे पहले भगवान विष्णु देव और धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के जो भी सच्चे भक्त हैं, वही वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय हो। विष्णु देव महाराज जी के साथ साथ माता रानी का भी जयकारा जरूर लगाएं। इससे भगवान विष्णु देव और माता रानी लक्ष्मी जी दोनों अपनी कृपा आप और आपके पूरे परिवार वालों पर हमेशा बरसती रहेगी, तो आप जरूर लिखेगा। आइए दोस्तों, बात करते हैं। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे तक अपने दिल और दिमाग दोनों शांत रखना। जी हां, और घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद करके आज की यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना। आज हम आपके लिए ऐसे ऐसे गुड न्यूज लेकर आए हैं जिन्हें जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों रिद्धि सिद्धि के दाता और धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से मिलने वाली है बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, खुशखबरी तो आपके जीवन में बहुत आए होंगे और चले भी गए होंगे, लेकिन दोस्तों इस बार हम आपके लिए वह खुशखबरी लेकर आए हैं। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपको ऐसी खुशखबरी प्राप्त होगी जिनके बारे में आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। लेकिन सावधान हो जाइए, क्योंकि दोस्तों अब आपको सावधान होने की जरूरत है। अब आपको संभल संभल कर कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों जो आपके नसीब में नहीं है वह भी अब आपको मिलने वाला है, क्योंकि माता रानी लक्ष्मी जी और रिद्धि सिद्धि भगवान श्री गणेश जी दोनों आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, आज केवल नसीब वाला ही इस वीडियो को देख पाएगा। देखिए दोस्तों, YouTube पर हर रोज वीडियो बनती है, लेकिन जो जानकारी हम आपको देते हैं और जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं, यह जानकारी आपको कोई नहीं दे सकता और ना ही किसी ने आपको दिया होगा, क्योंकि दोस्तों हम जो भी बातें बताती हैं वो सभी बातें ग्रह गोचर पर आधारित होती हैं। वीडियो का निर्माण करते समय पूरी कुंडली विश्लेषण करते हैं और बदलती ग्रह गोचर के अनुसार बताती हैं। आज आपको केवल वही बातें बताएंगे जो आपके साथ घटित होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आज की यह वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखकर
आप आने वाले भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। भविष्य में होने वाली सभी छोटी बड़ी घटनाओं के बारे में जान सकते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जिनसे आपको बचकर रहना है और कुछ ऐसी घटना है जो कि आपके नसीब के द्वार खोल देगी। जी हाँ, लेकिन सही समय पर सही चुनाव करना बहुत जरूरी है। आज की वीडियो में इसी के ऊपर विस्तार से बताएंगे। थोड़ा सा समय देकर वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर घर घर जाकर मिठाई बांटोगे। जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी सुनकर 440 वोल्ट का झटका लगेगा। जी हाँ, अगले 24 घंटे में जो खुशखबरी आपको मिलने वाली है, देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, देवों के देव महादेव जी ने चली अपनी चाल। अगले 24 घंटे में जो होगा उसे देखकर आपको भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, देवों के देव महादेव जी अब आपकी कुंडली में विराजमान हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अगले इन 24 घंटे में आपका सबसे बड़ा सपना सच होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपकी कुंडली में महादेव जी का महाखेल शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि पूरे 151 साल का रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बुध और शुक्र आपके कुंडली के आर्थिक भाव में सबसे नजदीक आकर विराजमान हो चुकी है, और यह परिवर्तन आपकी जिंदगी में अब ऐसा चमत्कार करेगा जो कि दोस्तों आपके भी होश उड़ाकर रख देंगे। जी हाँ दोस्तों, सारी दुनिया वाले देखेंगे अब आपका जलवा। दोस्तों, अब ऐसा परिवर्तन होगा आने वाले अगले 24 घंटे में जो कि आपकी जिंदगी को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगा। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा से अब आप अपने जीवन में चाहे कितने भी मुसीबत झेल रहे हो, उनका अब अंत होना सुनिश्चित हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी आर्थिक जीवन में अचानक से बदलाव होता हुआ दिखाई देने वाले हैं। अब आपके सामने ऐसे राह अचानक से उत्पन्न होंगे जिन पर चलने से आपका भाग्य उदय होने लगेगा तथा आपका किस्मत हीरे के समान चमकता हुआ दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में बुरे ग्रह दोषों से झो रहे हैं तो अब आप निश्चित हो जाइए। आपके जीवन में जितने भी ग्रह और बुरे दोष चल रहे हैं, बुध और शुक्र अब उनका अंत करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत खास है। सामान्य ग्रह गोचर के आधार पर आज के वीडियो का निर्माण हुआ है। अनुरोध करेंगे अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर तीन जगहों से भारी धन लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, मनुष्य के जीवन में ग्रहों के गणनाओं के अनुसार कई प्रकार के महत्वपूर्ण घटनाएं जीवन में होती रहती है। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भविष्य में होने वाली विभिन्न घटनाओं का आकलन करके मनुष्य के जीवन में ये सब घटनाएं हैं उन्हें और ज्यादा शुभ बनाया जा सकता है, और जो कि कुछ ऐसी घटनाएं हैं मनुष्य को व्याकुल कर सकता है, इंसान को परेशान कर सकता है। तो दोस्तों, आप इस स्थिति में कुछ उपायों को करके, कुछ सावधानियों को बरत कर आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकते हैं और आने वाले समय को महत्वपूर्ण लाभप्रद बना सकते हैं। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आने वाली अगले 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होने वाली हैं जिससे कि दोस्तों आपको तीन जगहों से भारी धन लाभ होगा। तीन बड़ी खुशखबरी मिल सकता है। जी हां दोस्तों, ज्योतिष गणनाओं के अनुसार ग्रहों की राशियों में परिवर्तन होने की वजह से तथा कई शुभ क्रियाकलापों की वजह से आप अपने जीवन में लाभ की प्राप्ति आसानी से भी कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि आपका आने वाला समय कैसा रहने वाला है। आज की यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि ज्योतिष घटनाओं के अनुसार हम आपको बताने वाली आज आपके जीवन में कौन सी घटनाएं घटित होने वाले हैं और किस प्रकार से धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकती है ताकि आपके घर में धन दौलत की प्राप्ति हो, और माता रानी लक्ष्मी जी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपके घर धन धन की बरसात होती रहे, किस प्रकार से रुपए पैसे में बढ़ोतरी हो सके, सारा चीज बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। तरक्की के घोड़े पर सवार हुई आपकी किस्मत, अब यह आपको राजा बनाकर ही छोड़ेंगे। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आपके कुंडली में दो बड़े राज्य योग और दो बड़े धन योग का निर्माण होने जा रही है। जी हां दोस्तों, यह दो राजयोग आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं।
और दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अंतरिक्ष के कई ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, मंगल का राशि परिवर्तन हो चुका है, बुध का राशि परिवर्तन हो चुका है और यहां तक गुरु शुक्र भी अपना बड़ा राशि परिवर्तन कर चुके हैं। तो दोस्तों, इतने सारे ग्रह अपना अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं और यह परिवर्तन आपके लिए बहुत ही शुभ साबित होने वाला है। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बताना चाहेंगे, जब जब ग्रहों में राशि का परिवर्तन होता है, तब तब हमारे जीवन में बदलाव होते हैं। ग्रहों में अगर राशि का परिवर्तन ठीक ठाक है तो हमारा जीवन सही तरीके से चलता है और सही तरीके से व्यतीत होता है। ग्रहों की चाल अगर सही हो तो इंसान को कम मेहनत में ही बड़ी सफलता मिलने लगती है, और अगर ग्रहों की चाल सही ना हो तो इंसान लाख प्रयास करता है, लाख कोशिश करता है, फिर भी उन्हें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलता है। जी हां दोस्तों, इन सभी का मुख्य कारण होता है ग्रहों की चाल। लेकिन इस बार ग्रहों की चाल काफी शुभ नजर आ रही है और इसका सकारात्मक असर आपके जीवन में पड़ने वाला है। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे का संपूर्ण भविष्यवाणी आज की इस वीडियो में होने वाला है और 100% सटीक जानकारी हम आपको देने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर अंतरिक्ष के ग्रह गोचर और आपकी किस्मत कुछ ऐसा रंग रूप दिखाने वाले हैं जिससे आपको अनुभव होगा कि मान लीजिए आपका किस्मत तरक्की के घोड़े पर सवार हो चुकी हो। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कामयाबी ही कुछ ऐसी मिलने वाली है जिससे आपके आस पड़ोस में, गली मोहल्ले में जो लोग आपसे जलते थे, बोलो और जल जल कर खाक होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि जिंदगी जीने का असली मजा अब आने वाला है। जी हां दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में यह मायने नहीं रखता है कि आपने अपनी जिंदगी को कितना जिया, बल्कि मायने यह रखता है कि आप अपने जीवन में कितना खुश रहे। क्योंकि दोस्तों, यह जिंदगी 4 दिनों की जिंदगी है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि आप किस जिंदगी की गाड़ी किसी गलत आदमी की हाथ में ना लग जाए। जी हां दोस्तों, गलत संगति से, गलत लोगों से दूर ही रहिएगा, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। आप उसके साथ जरूर रहिए जिनका तबीयत खराब हो, लेकिन उनके साथ कभी मत रहिए जिनका नियत खराब हो। जो कि खराब तबीयत पुनः ठीक हो सकता है, लेकिन खराब नहीं है, न कभी ठीक होगा और न दूसरों को ठीक रहने देगा। क्योंकि दोस्तों, ऐसे लोग न कभी जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। आने वाली अगले 24 घंटे का समय विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। जिन विद्यार्थियों ने किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आप इस समय किसी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं और आप जीत हासिल कर सकती हैं। लव लाइफ यानी कि प्रेमी जोड़ों के लिए समय बहुत अच्छा है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि व्यर्थ के प्रेम में पड़कर आप अपने भविष्य के साथ, आप अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ ना करें और ना ही कोई कंप्रोमाइज करें। जी हां दोस्तों, यह समय आपका है और यह बहुत कीमती समय है। चाहे आप इसे सोना बना लो या फिर सोने में गुजार लो, यह आप पर डिपेंड करता है। दोस्तों, ग्रहों की यह बदलती चाल आपके लिए खुशियां लेकर आने वाला है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला खुशखबरी है बेरोजगार लोगों के लिए। जी हां, जो लोग अपनी बेरोजगारी की समस्याओं से परेशान हो चुके हैं, अब उनकी बेरोजगारी की समस्या भगवान विष्णु देव और माता रानी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से दूर होने वाले हैं। अगले 24 घंटे के भीतर आपको रोजगार से रिलेटेड कोई ऐसा समाचार मिलने वाला है जिसे सुनकर आप गदगद हो जाएंगे। जी हां, और दूसरा शुभ समाचार है शादीशुदा लोगों के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए। जी हां, अगर आप प्रेम विवाह करना चाहती हैं या फिर जो लोग प्रेम विवाह के बारे में सोच विचार कर रहे हैं, उनको घर वालों की तरफ से मंजूरी मिल सकती है। जी हां, और जिनकी शादी हो चुकी है, शादीशुदा लोगों के जीवन में अब एक नया मोड़ देखने को मिलेगा। जिन लोगों की जीवन में आपस में नहीं बन पा रही थी, बात विवाद हो रहे थे, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, उनको अब सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। और तीसरा शुभ समाचार है नौकरी पेशा लोगों के लिए। जी हां, इनके लिए बहुत ही बड़ी शुभ समाचार है कि नौकरी पेशा लोगों के जीवन में अब बहुत ही बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। हर तरफ से लाभ ही लाभ होगा, लेकिन उसके लिए नित्य दिन माता रानी
लक्ष्मी जी को पूजा आराधना करनी है। इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि जिस वक्त आप पूजा आराधना कर रहे हैं उस वक्त आप माता रानी के साथ साथ भगवान विष्णु देव जी की भी पूजा करें। जी हाँ, तभी आपके रोजी रोजगार में वृद्धि होगी और तभी आपके घर माता रानी लक्ष्मी जी का वास होगा। ऐसा करने से आपके घर में धन दौलत में बरकत होने लगेगी, रुपया पैसा आपके घर दिखने लगेगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने मेहनत पर ध्यान देंगे, अपने कमाई पर ध्यान देंगे, तो आप ज्यों के त्यों रह जाएंगे। थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना होगा कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको जरूर सोचना है, नहीं तो आप अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आप कमाते बहुत हैं, कमाई के साथ साथ खर्च भी बढ़ता है, जिस पर आपको लगाम लगानी होगी। दोस्तों, बात समझ आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से कहिए गा जय माता दी, इससे माता रानी का आशीर्वाद तो प्राप्त होगा ही, साथ ही साथ गुरु जी का भी आशीर्वाद मिलेगा। देखिए दोस्तों, अगले 24 घंटे ग्रहों की जो स्थिति है वह आपके लिए राजयोग का निर्माण कर रही है, आपके लिए धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, यानी कि आपको धन मिलने वाला है, आपका रुका हुआ धन मिलने वाला है, फंसा हुआ धन मिलने वाला है। और पूर्व में अगर आपने किसी को धन उधार दिया था तो वह धन भी आपको अगले 24 घंटे के अंदर प्राप्त हो सकता है। और यह बड़ा चमत्कार भगवान श्री गणेश जी और माता रानी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से होने जा रही है। इसीलिए हमने कहा है कि जो आपके नसीब में नहीं है, जिसको आपने अपने तरफ से भुला दिया था, ना मिलने के बराबर था, वह भी अब आपको मिलेगा। लेकिन अपने दिल और दिमाग दोनों शांत रखना, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि उसके जीवन में कुछ आते ही कुछ लोग खुशी से पागल होने लगते हैं और उस खुशी का ढिंढोरा सब जगह पीटने लगते हैं, सभी को एक एक कर बताने लगते हैं। इससे आपका यह नुकसान होता है कि आपकी खुशियां एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं होने लगती हैं और वह लोग आपके बारे में बुरा सोचने लगते हैं कि किस तरह से यह खुशियां आपसे छीना जाए। तो यही गलतियां यहां पर आपको नहीं करनी है। भगवान जो चीज आपको दे रहे हैं चुपचाप अपने तक ही सीमित रखना। जो पानी से नहाएगा वह सिर्फ निवास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वही इतिहास बदल सकता है। अगर आपको इतिहास बदलना है तो आपको पसीने से नहाना होगा, दिन रात एक करना होगा। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं, अगर आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो आपको बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ेगा। जी हाँ, कुछ दिन तक आपको अपने ऐसो आराम की जिंदगी को त्यागना होगा, क्योंकि आराम हराम होता है दोस्तों। गुरु जी के बधाई भी। इन बातों को अगर आप समझ पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा गुरु जी आप एकदम सही कह रहे हैं। आने वाली अगले 24 घंटे तक आपको अपने सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। भाग्य का लिखा कोई नहीं छीन सकता, जो आपके नसीब में है वह आपको मिल कर रहेगा। जी हां दोस्तों, अगले 24 घंटे में आपको ऐसी खुशखबरी मिलेगी, आपको ऐसी गुड न्यूज मिलेगी जो कि दोस्तों आप सबके घर घर जाकर मिठाई बांटोगे। जी हां दोस्तों, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा उलटफेर होगा। किसी इंपॉर्टेंट कार्य की वजह से आज यात्रा हो सकती है, यात्रा आपके लिए सुखद एवं लाभदायक रहेगा, कुछ अधूरे काम आपके पूरे होंगे। जी हां, धन के मामले में स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है। इसके उपरांत शेयर बाजार लॉटरी सट्टे में धन निवेश करने वालों के लिए आज का दिन काफी बेहतर रहने वाला है, और दिन रात को नहीं। पिछले समय में अपने धन को किसी पॉलिसी आदि में निवेश किया था तो वहां से दो गुना लाभ मिलता हुआ नजर आएगा, और इस खुशी में भी आप मिठाई बांटोगे। अगले 24 घंटे में नौकरी में बड़ा परिवर्तन होगा, और जो कार्य काफी लंबे समय से पेंडिंग में पड़े थे, अधूरे थे, आपके वह कार्य पूरे होंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वह कौन कौन से बड़े बदलाव आपके व्यापार व्यवसाय कैरियर बिजनेस लव लाइफ स्वास्थ्य पारिवारिक जीवन दैनिक दिनचर्या आपके लेन देन व आपके धन दौलत में कौन कौन से परिवर्तन करने वाले हैं, इसकी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे आज की इस वीडियो में। तो आप अपना थोड़ा सा कीमती वक्त निकालकर वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आपकी जिंदगी में इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव होगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, पूरे 25 लाख की चेक मिलेगी दोस्तों, क्योंकि आपके नाम की पर्ची बन चुकी है।
अगर इस वीडियो को आप नजरअंदाज करने की कोशिश करोगे तो आगे जाकर आप बहुत पछताओगे। जी हां, वो बेवकूफ से भी महाबेवकूफ होगा जो आज की यह वीडियो को नजरअंदाज करेगा। दोस्तों तैयार रहना, भगवान की तरफ से बहुत बड़ा तोहफा मिलेगा। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ा सरप्राइज आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। जानकारी के लिए हम आप सभी को बताया नहीं कि आप बहुत ही जल्द करोड़पति बनने वाले हो। जी हां दोस्तों, अब लाखों करोड़ों में खेलने का समय आ चुका है, लेकिन इस मौके को मिस मत कीजिएगा क्योंकि यह मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, बड़े ही दिनों के बाद आपकी कुंडली में इस शुभ योग का निर्माण हुआ है। पूरे 400 साल बाद आपकी कुंडली में दोबारा यह योग बना है जो कि दोस्तों पुनः आपकी किस्मत को चमकाएगा। जी हां दोस्तों, मैं फुल गारंटी के साथ लिख कर देता हूं कि आज आपको लाभ होगा और बहुत बड़ा लाभ होगा। जी हां दोस्तों, यह समय से आपको जो बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है दोस्तों, यकीन मानिए, सुनकर आप खुशी से झूम उठोगे, खुशी से आप नाचने लगोगे। जी हां दोस्तों, क्योंकि आज आपको इतिहास की सबसे बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है जो कि आज तक आपको नहीं मिला होगा। जी हां, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, भगवान भोलेनाथ और धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपकी कुंडली में एक ऐसा चमत्कारिक योग्यता निर्माण हुआ है जिससे आपके जीवन में कितना रुपया पैसा आएगा कि आप पैसा गिनते गिनते थक जाओगे। जी हां दोस्तों, दोस्तों वीडियो पूरी तरह से ग्रह गोचर पर आधारित है, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और ना ही स्किप करें। अगर आपको इस शुभ अवसर का, इस शुभ समय का लाभ उठाना है तो आप कंटिन्यू वीडियो को देखते रहे। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। वीडियो के बीच में हम जरूरी उपाय भी बताएंगे जो कि इन उपायों को करने से आपका किस्मत चमक सकता है। जी हां दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ग्रहों की यह बदलती चाल आपको धनवान बनाएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि आज आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसेगी। आज के दिन उन जातकों के लिए बहुत अच्छा दिन है जो लोग घर से बाहर रहकर नौकरी करते हैं। जी हां, क्योंकि घर से दूर रहकर काम करने वालों के लिए आज का दिन अति उत्तम है। नौकरी में कार्यरत लोगों को आज बदलाव करने का मन तो करेगा, लेकिन उन्हें अभी पुराने में ही टिके रहना बेहतर रहेगा। जी हां, देखिए दोस्तों, आज आपको सलाह देने वाला बहुत मिलेगा, लेकिन आज आप लोगों की ना सुने, केवल अपने दिल की सुने। जैसा आपका दिल कहता है, जैसा आपका मन कहता है, आप वैसे करें। दोस्तों आप रोजाना अपने घर में श्री सूक्त का पाठ करें, इससे आपके घर में मां लक्ष्मी का वास होगा। जी हां, और लक्ष्मी सूक्त का पाठ करने से भी घर में मां लक्ष्मी का वास होता है, इससे घर की दरिद्रता दूर होती है और घर में धन वर्षा होती है। जी हां दोस्तों, दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता देंगे, धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी अगर आप खुश रखेंगे तो आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी बहुत भोली हैं, बहुत निराली है। जो भी उनके दर पर जाता है, जो भी उनके चौखट पर जाते हैं, वह कभी भी खाली लौट कर नहीं आते हैं, क्योंकि धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी उन्हें कुछ ना कुछ जरूर देता है। भले उन्हें तुरंत नहीं मिलता है, लेकिन मिलता उन्हें जरूरत है। देखिए दोस्तों, धन की देवी माता रानी लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से, असीम कृपा से आपका कोई पुराना लेन देन सुलझ सकता है। जी हां, जिससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। आज के दिन विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा से संबंधित कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। दोस्तों आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है। जी हां, एक प्रकार से यूं कहें तो आपके परिवार में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। जी हां दोस्तों, ग्रह सितारे कहते हैं कि आपके परिवार में जो लोग नौकरी के योग्य हैं, नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें नौकरी लगने वाली है। जी हां, और सच में यह खुशखबरी आपको भी हिलाकर रख देगी। दूसरा, जो खुशखबरी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, यह तो और भी तगड़ा खुशखबरी है। जी हां दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ग्रहों की यह बदलती चाल आपके लिए लाभ ही लाभ के योग बना रहे हैं। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि अब आपके घर में, अब आपके परिवार में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। जी हां, शायद उनके लिए आपकी आंखें तरस गई होगी, लेकिन अब आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मां अंबे, मां गौरी, मां भवानी जी के आशीर्वाद से अब आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। जी हां दोस्तों, एक चमत्कारी उपाय बता रहे हैं।
अगर किसी की बुरी नजर बुरी साया आपको परेशान करती है तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। जी हां, आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। व्यापार कर रहे लोग किसी के साथ कोई साझेदारी कर सकते हैं जो उनके लिए अच्छी रहेगी। आपके घर में किसी सदस्य के विवाह में आ रही बाधा दूर होगी जिससे आपको लाभ होगा। आपको ऑफिस में अपने बॉस की बातों पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप अपने आसपास के लोगों से भी आसानी से काम निकलवा सकेंगे। जीवन साथी के साथ आप कुछ समय अकेले में व्यतीत करेंगे। आप किसी डिनर डेट पर भी जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। आज आपके मन में प्रेम और सहयोग की भावना बनी रहेगी। आप अपनी सुख सुविधाओं को पूरा करने को लेकर योजना बनाएंगे। व्यापार में भी आपको अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। आप अपनी सेहत के प्रति कोई लापरवाही न बरतें। यदि आपको कुछ मौसमी बीमारियां चल रही हैं, तो आप उनमें डील ना दें। जो व्यापारी विदेशों से व्यापार करते हैं उन्हें किसी काम को लेकर समस्या आ सकती है। आपको अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो परिवार का कोई सदस्य आपसे नाराज हो सकता है। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। आप किसी की सुनी सुनाई बातों में ना आएं और आर्थिक स्थिति को लेकर यदि आपको कोई टेंशन चल रही है तो वह भी दूर होगी। आपने यदि किसी मित्र या बैंक व्यक्ति संस्था से धन उधार लेने की प्लानिंग की है तो वह आपको आसानी से मिल जाएगी। बिजनेस में आप किसी योजना को लेकर यदि परेशान चल रहे थे तो उसमें आपको अच्छा लाभ देगी। आपको किसी नुकसान में पड़ने से बचना होगा। आज आपका कोई लंबे समय से रुका हुआ काम पूरा होने की संभावना है और आपके कामों को पूरा करने में यदि कुछ समस्या आ रही थी तो वह भी बातचीत के जरिए दूर होगी। आपके पिताजी को कोई पेट से संबंधित समस्या हो सकती है। जीवन साथी अपनी नौकरी में व्यस्त रहेंगे जिस कारण वह अपने परिवार की जिम्मेदारियां को कल पर टालने की कोशिश करेंगे। यदि आपकी किसी बात को लेकर कहां सुनी हो तो आप कोई पुरानी बात ना उखाड़े, नहीं तो लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए बिजनेस में योजनाओं को बनाकर आगे बढ़ने के लिए रहेगा। आप अपने काम को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे। आपकी संतान आपसे किसी काम को लेकर बातचीत कर सकती है। आपको अपने सहयोगियों से मन की बातों को लेकर बातचीत करनी होगी। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से यदि कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो वह दूर होगा। आपको अपने किसी मित्र की याद सता सकती है। आप अपने खर्चों को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे। आपको किसी यात्रा पर जाना बेहतर रहेगा। आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। यदि आप ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से कुछ धन उधार लेने की सोच रहे थे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको अपने किसी मित्र की सेहत की चिंता सता सकती है। कार्यक्षेत्र में आपके दिए गए सुझावों का स्वागत होगा। आपके परिवार में कोई सदस्य किसी बात को लेकर नाराज रहेगा। आप परिवार के सदस्यों के साथ मिल बैठकर कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे और अच्छे भोजन का आनंद लेंगे। आपकी तरक्की की राह में आ रही बाधाएं दूर होगी। आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आप अपनी संतान के करियर को लेकर कोई फैसला ले सकते हैं। आपको अपने आसपास रह रहे लोगों से सावधान रहना होगा। मामा पक्ष से आपको धन लाभ मिलता दिख रहा है। आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। आपको जीवन साथी के करियर को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ सकता है। आप किसी के कहने में आकर कोई काम ना करें, नहीं तो उसमें आपसे गलती होने की संभावना है। आज का दिन आपके लिए वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए रहेगा। आपको अपने कामों को लेकर संयम रखने की आवश्यकता है। आपकी किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। आप अपने पिताजी से किसी जरूरी काम को लेकर बातचीत कर सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य से चल रही अनबन बातचीत के जरिए दूर होगी। आपकी किसी नए काम के प्रति रुचि जागृत हो सकती है। आप अपने माता पिता की सेवा के लिए भी कुछ समय निकालेंगे। आपका कोई बचपन का मित्र आपसे मिलने आ सकता है। आपको अपने खर्चों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिलने से उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपका कोई मित्र आपसे किसी जरूरी काम को लेकर बातचीत कर सकता है।
परिवार में आपके ऊपर जिम्मेदारियां का बोझ अधिक रहेगा। आप अपनी संतान के लिए किसी नए वाहन को लेकर आ सकते हैं। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से यदि आपने कोई लेन देन किया तो वह आपको परेशान करेगा, क्योंकि इससे आपके आपसी रिश्तों में समस्याएं बढ़ेगी। आज का दिन आपके लिए सावधानी और सतर्कता बरतने के लिए रहेगा। आपको लेन देन बहुत ही सोच विचार कर करने होंगे। यदि अपने ससुराल पक्ष की किसी व्यक्ति से लेन देन किया तो इससे आपके आपसी रिश्तों में दूरियां आने की संभावना है। आपका किसी पुरानी गलती से पर्दा उठ सकता है, जिसके लिए आपको माफी भी मांगनी पड़ सकती है। जीवन साथी को कोई पेट से संबंधित समस्या रहेगी। विद्यार्थी यदि किसी नए कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं तो वह उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको किसी काम के चलते अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। आज का दिन आपके लिए धार्मिक कार्यों से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। सामाजिक कार्यों में आपकी खूब रुचि रहेगी। आप अपने किसी काम को लेकर मनमर्जी ना चलाएं, नहीं तो इससे आपके काफी काम लटकने की संभावना है। आपको अपने परिवार के सदस्यों का पूरा साथ मिलेगा। यदि आप किसी नए वाहन के खरीदारी करना चाहते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सतर्क रहना होगा। आप परिवार के सदस्यों के साथ मिल बैठकर कुछ पारिवारिक समस्याओं को लेकर बातचीत करेंगे।